देखिए, स्वाइन फ्लू H1N1 की एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। यहां पर मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि 98% जो स्वाइन फ्लू के केसेस हैं वो केवल बुखार, जुखाम, खांसी, हल्की खांसी, हल्के गले में खराश तक ही सीमित रहते हैं और ये सब ठीक हो जाते हैं बिना मरीज को भर्ती किए हुए अस्पताल में। ये चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेजोरिटी ऑफ दी पेशेंट्स दे गेट वेल विदाउट एनी मच ऑफ ट्रीटमेंट। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ये पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है क्योंकि ये कई बार फेफड़ों को ग्रस्त कर देती है, निमोनिया बना देती है और अगर निमोनिया स्वाइन फ्लू में बनता है तो फिर सांस में दिक्कत आती है, शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, मरीज सीरियस हो जाता है और उससे उसकी मौत भी हो सकती है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि यह एक वायरल डिजीज है, आरएनए वायरस है जिसको हम H1N1 कहते हैं। सिम्टम्स आपने बड़े अच्छे से बताए हैं, बुखार होता है, हल्की सी गले में खराश होती है, आंखों में लालिमा होती है जो एक नॉर्मल वायरल सिम्टम्स है, जुकाम होता है और खांसी होती है। वार्निंग सिम्टम्स है किसी भी व्यक्ति जिसको कि स्वाइन फ्लू या फ्लू है लगे, उसका सांस तेज चलने लग गया, छाती में दर्द होने लग गया या उसे सडनली बेहोशी आने लग गई या उसके होंठ नीले पड़ने लग गए, ये एक इमरजेंसी लक्षण है, तुरंत इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। अक्सर पेशेंट्स को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, हमारे को पेशेंट्स को सेगमेंट करके देखना चाहिए। स्वाइन फ्लू का प्रकोप उन मरीजों पर बहुत ज्यादा पड़ता है जिनमें कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, खासकर कि अगर कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है जैसे उन्हें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या ब्रोंकियल अस्थमा है, दमे की शिकायत है, या वो डायबिटिक है, उन्हें शुगर की बीमारी है, या वो बहुत ज्यादा ओबीज है, बहुत मोटापा है, या बच्चे जो कि 5 साल से छोटे हैं या वृद्धावस्था में जो 65 साल से ऊपर है। ये कुछ प्राणी ऐसे हैं जो कि बड़ी जल्दी इसकी चपेट में आ सकते हैं और इनको कॉम्प्लिकेशन रेट भी बहुत ज्यादा होता है। तो इन पेशेंट्स का इलाज जहां तक अलग है, सभी का इलाज एक ही तरीके से होता है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या कोई भी हो, बेसिकली एंटीवायरल दवाई देते हैं, बॉडी की ऑक्सीजन की कमी ना हो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, आवश्यकता पड़े तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर पेशेंट को डाल दिया जाता है। जहां तक इलाज की पद्धति का तल्लक है, वो सारे इलाज की पद्धति सारी एज ग्रुप्स में सेम रहती है, लेकिन डेफिनेटली जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो बड़ा उनके साथ में केयरफुल रहना जरूरी है क्योंकि उनके अंदर स्वाइन फ्लू का निमोनिया बड़ी जल्दी हो जाता है और उससे मौत होने की भी संभावना ज्यादा रहती है। यहाँ पर मैं एक चीज बताऊंगा, जिस तरह से ये बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रिवेंशन के ऊपर, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमें प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है। प्रिवेंशन के लिए किसी भी व्यक्ति जिसको स्वाइन फ्लू घोषित होता है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, खांसते छींकते वक्त कम से कम 1 मीटर यानी कि लगभग लगभग 3.5 फुट की दूरी मेंटेन उसको करनी चाहिए दूसरे व्यक्ति से, और कभी भी खांसे छींके बोले तो अपने सामने जो है वो नैपकिन्स का इस्तेमाल करें, तौलिये का या रुमाल का, इन चीजों का ना करें, नैपकिन का इस्तेमाल करें और उसको प्रॉपरली वो बिल्कुल। स्वाइन फ्लू जो है वो मौसम के ऊपर भी उसकी निर्भरता होती है, स्पेशली विंटर्स के अंदर, विंटर्स की ये बीमारी है या चेंजिंग सीजन की ये बीमारी है, जितने भी ये वायरल डिजीजेस होती हैं ये बेसिकली इन्फ्लुएंजा हो गया, पैरा इन्फ्लुएंजा हो गया, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस हो गए, जितने भी ये वायरल इन्फेक्शन है ये मेनली जो है संक्षेप में डॉक्टर रवि मलिक के अंदर या चेंजिंग बहुत संक्षेप में बताइए। यहाँ पे मैं एक चीज और, मध्य प्रदेश में घरेलू, देखिए ये मजाक वाली बात है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, इट इज अ सीरियस डिजीज, ये एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, इसके अंदर मरीज जो है आमतौर पर जैसा मैंने बताया 98% मरीज बिना किसी दिक्कत के ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मरीज इसके अंदर मौत का शिकार भी हो सकते हैं। घरेलू नुस्खे जो हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, हम मेरे ख्याल से अगर हम लोगों को बहुत ज्यादा घरेलू नुस्खों के बारे में वो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस होके जेल में कपूर को रख के, जेल में इलायची को रख के वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और डॉक्टर के पास में समय पर ना पहुंचे, ये चीज का हमें ध्यान रखना।